पाए हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अपहरण, हत्या जैसे कई संगीन मामलों में किरकिरी होने के बाद यूपी पुलिस अब सतर्क नजर आ रही। यही वजह है कि होनहार छात्रा सुदीक्षा भाटी की मौत की जांच अब एसआईटी करेगी। बुलंदशहर पुलिस ने एक डीसीपी रैंक के अधिकारी के नेतृत्व में इस एसआईटी का गठन किया। टीम में क्राइम ब्रांच के दो तेज तर्रार इंस्पेक्टर शामिल हैं जो इस अस्पताल की जांच करेंगे। दरअसल सुदीक्षा भाटी की मौत का मामला तुल पकड़ता जा रहा है और उसके परिवार वालों ने पुलिस पर सवाल खड़े किए हैं। ऐसे में फिर से पुलिस की किरकिरी होने से बचाना आला अफसरों के लिए जरूरी हो गया, लिहाजा इस मामले की जांच के लिए मंगलवार को एसआईटी का गठन कर दिया गया जिसकी निगरानी सीओ सिटी दीक्षा सिंह करेंगी। उनके निर्देश में अपराध शाखा के दो इंस्पेक्टर मामले की जांच करेंगे। का गठन कर दिया है, इसमें दीक्षा सिंह वहाँ पर जो महिला डिप्टी एसपी हैं उनके साथ में दो क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर्स उसमें रहेंगे और इस पूरी जो भी इनके द्वारा तहरीर दी जाएगी उसमें हम लोग कार्रवाई करेंगे। हम जो हमारे यहाँ जो मृत्यु हुई है उस पर हमने पूरे परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त की है और जो प्रथम दृष्टया साक्ष्य थे वो हमने ऑलरेडी बताए हुए हैं कि प्रथम दृष्टया साक्ष्य जो एक्सीडेंट के थे जिसमें कि एक नाबालिग भाई इनका गाड़ी चला रहा था और जिसने खुद बताया कि अचानक एक मोटरसाइकिल के ब्रेक लग जाने के कारण उसने उसको संभाल नहीं पाया और उसे टक्कर हुई है जिसमें कि दोनों लोग गिरे हैं।